वेलकम टू स्टडी क्लासेस। मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करेंगे, यानी समघातीय अवकल समीकरण। अवकल समीकरण की चर्चा हम कर चुके हैं। समघातीय अवकल समीकरण क्या होते हैं? ऐसा अवकल समीकरण जिसमें घात समान होती है, माने जितने पद लिखे होंगे उन सब में पद की कुल घातों का योगफल बराबर होता है, ऐसे जो समीकरण होंगे वो समघातीय अवकल समीकरण कहलाते हैं, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का उदाहरण देखें, कोई भी इस तरीके का सवाल हो सकता है जिसमें घात अगर समान है तो उसको हम समघातीय अवकल समीकरण कह सकते हैं। जैसे dy/dx y - x / y + x। अगर इस प्रश्न की चर्चा करें तो अंश में y लिखा है और x लिखा है, y की एक घात है और माइनस में x की एक घात है, माने कुल मिला के अंश में जो घात है वो एक है और इसी प्रकार से हर में भी घात एक ही है। तो हम इसको अंश में एक घात, हर में भी एक घात और इसको हम एक घात का समीकरण कह सकते हैं, यानी घात समान है इसलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब ऐसे समीकरणों को अगर हल करना है, हल कीजिए, तो हल करने का तरीका क्या होगा? बहुत आसान है। यहाँ पर आपको दो चर मिलेंगे वाई और एक्स, और ये इस तरीके से हैं। इसकी एक यहाँ विशेषता और भी है कि अगर हम y को dy के साथ और x को dx के साथ लाना चाहें तो नहीं आ पाएगा। अवकल समीकरण को हल करने का जो तरीका हमने बताया इसके पहले वो यही था कि किसी अवकल समीकरण में हम ये व्यवस्था करेंगे कि जितना x है वो सब dx के साथ हो जाए और जितना y है वो सब dy के साथ हो जाए, और जब ऐसा हो जाएगा तो उसका हम समाकलन कर देंगे और हमको उस अवकल समीकरण का हल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? एक तीसरा चर मानेंगे और वो चर इस रूप में मानेंगे कि y = vx। कहीं कहीं पर हमको x = vy भी मानने की जरूरत होगी, कुछ इस तरीके का प्रश्न होगा तो हमको वो भी मानने की जरूरत होगी। यहाँ पर हम y = vx मानेंगे और जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो हमको मिलेगा v x का एक हो जाएगा प्लस x dvy dx। और अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास है dy/dx = y - x / y + x। यहाँ मान रखेंगे x dv/dx vx - x / vx + x और x कॉमन लेकर कट जाएगा और ये v इधर आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपके पास x dv/dx। अब आप इसको सरल करेंगे तो आपको मिलेगा x dv/dx v - 1 - v - v² / v + 1। यहाँ गुणा करेंगे तो -v - v² हो जाएगा और अब हम इसको सरल करेंगे तो आपका मिल जाएगा 1 + v² / v + 1। और अब हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं dx/x। तो ये अब हमारा इस रूप में आ गया कि अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? v/1 + v² dv और -dx/x और +c1। एनी कांस्टेंट c1 लिखिए या c लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर 1 + v² को t पुट करेंगे तो 2v dv / dt हो जाएगा, यानी v dv / dt / 2 आएगा, यानी 1/2 log 1 + v² और इसका समाकलन आप जानते हैं tan−1v, इसका समाकलन जानते हैं log x और +c1। और अब आप v की वैल्यू पुट कर देंगे
ये आपके पास आ जाएगा लॉग वन प्लस बी माने वाई अपान एक्स, तो वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा प्लस लॉग एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई अपान एक्स बराबर सी। और इसको हम सरल करेंगे, हमारे पास हो जाएगा वन अपान टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और इसको हम प्लस वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस टैन इनवर्स वाई अपान एक्स बराबर सी वन। अब इसको हम इतना भी लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, लॉग ए धन लॉग बी बराबर लॉग ए इंटू बी, तो जब लॉग ए इंटू बी करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स वाई अपान एक्स बराबर सी वन, यानी हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस टेन इनवर्स वाई अपान एक्स बराबर सी वन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बटा दो लॉग एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन टेन इनवर्स वाई बटा एक्स प्लस क्या बराबर सी वन या सी, जो भी आप कांस्टेंट लिखना चाहिए। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके के सॉल्व करेंगे। एक विशेष बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ अगर ऊपर दो घात है तो नीचे भी दो घात हो, ऊपर तीन घात है तो जितने पद जुड़े या घटे होंगे सभी पदों में तीन घात होगी और हर में भी तीन ही घात होगी, और फिर हम ऐसे सवालों को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वाई बराबर बी एक्स मान लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक प्रश्न इससे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे एक प्रश्न है कि एक्स कास वाई बटा एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई कास वाई बटा एक्स प्लस एक्स, ये एक समीकरण है और हमको इसका हल ज्ञात करना है। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई कास वाई बाई एक्स अपान एक्स कास वाई बटा एक्स, इतना हम इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखने पर यह पता चल रहा है कि ये समघातीय समीकरण है, जो ये हमारा प्रश्न हो गया, जो समघातीय समीकरण, तो y बराबर क्या मान लेंगे dx, इसलिए dy वाई बाई डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहां हम मान रखेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर वी एक्स हो गया और cos v हो जाएगा ये, और प्लस x अपान x cos v, x कॉमन लेकर कट जाएगा और हमारे पास बचेगा x डी वी बाई डी एक्स v cos v प्लस वन अपान cos v माइनस वी, तो प्लस वी उधर चला जाएगा माइनस वी हो जाएगा, तो वी कास वी प्लस वन माइनस वी कास वी और अपान कास, और ये वन अपान कास वी हो जाएगा, यानी कास वी डी वी बराबर डी एक्स अपान एक्स, और इस प्रकार से इसका समाकलन कर देंगे तो हमको यहाँ हल मिल जाएगा और प्लस सी वन। कास वी का समाकलन साइन वी लॉग एक्स और प्लस सी वन, साइन बी माने वाई अपान एक्स, और ये हो गया लॉग एक्स, सी वन को और सरल करना चाहे तो लॉग सी लिख सकते हैं, और अब ये लॉग सी एक्स हो जाएगा, ये भी हमारा उत्तर हो सकता है। और इस प्रकार से
जो दिया गया प्रश्न था उसका ये हमारा उत्तर हो जाएगा। वैसे अगर ये भी उत्तर लिख दिया जाए तो ये भी गड़बड़ नहीं है। तो इस तरीके से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान होते हैं और देखने से ही पता चल जाते हैं कि ये समघाती अवकल समीकरण है, इनको हम कैसे हल करेंगे। अब हमको चर्चा करनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी जो 9.5 एक्सरसाइज है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की है, उसको आपको कंप्लीट करना है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं? रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण का मतलब हुआ कि अगर कोई समीकरण इस रूप में दिया है dy/dx + px = q, अगर इस रूप में दिया है तो ये जो समीकरण होगा ये रैखिक अवकल समीकरण कहलाएगा। या यही समीकरण इस रूप में भी लिखा हो सकता है +py = q, इस रूप में भी लिखा हो सकता है। और यहाँ पर हमको अवकल समीकरण को हल करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना होगा, समाकल गुणांक। समाकलन गुणांक क्या होगा? e^(pdx). e^(pdx) हम ज्ञात करेंगे, ये हमारा समाकल गुणांक हो जाएगा। यहाँ पर समाकल गुणांक क्या होगा? e^(pdy). यहाँ y के सापेक्ष अवकलन होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से हम ये यहाँ पर ये y होगा जबकि यहाँ x है, और इस प्रकार से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड कर लेंगे तो हमारा जो हल हो जाएगा वो हल क्या होगा? y(q)(dx) + c, ये हमारा समीकरण का हल हो जाएगा। जब हम यही हल यहाँ ज्ञात करेंगे तो यहाँ हल क्या होगा? x(q)(dy) + c। तो इस प्रकार से ये हम हल ज्ञात कर लेंगे। एक प्रश्न की सहायता से अगर हम समझें तो हम इसको कैसे करेंगे ये बात देखते हैं कि हमारा हल कैसे होगा। कोई अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसकी चर्चा करते हैं। एक अवकल समीकरण दिया है x dy/dx (q)(dx) + c, कुछ भी लिखिए। ये क्वेश्चन है x dy/dx + 2y = x², हल कीजिए। यहां देखने से पता चल जाएगा आपको कि इस रूप में या इस रूप में है। x dy/dx + 2y = x², और इसको आप इतना भी लिख सकते हैं 2/x y (x²/x), और अब अगर आप इसको सरल करेंगे 2/(x, y) और x, इससे तुलना करिए, यही समीकरण वहां दिया हुआ है, p = 2/x और q = x। और अब आप समाकल गुणांक निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e^(pdx), तो e^(2/x dx) तो हो जाएगा e^(2log x), और 2log x इसको e^(log x²) लिख सकते हैं, और e^(log y) का मान y होता है, इसलिए आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा x², और फिर जो हल होगा वो यहाँ दिया हुआ है y(q)(dx) + c, तो y (x²) q = x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर माने x²(dx) + c, x³ हो गया, और x³ का समाकलन आप जानते हैं x^4/4, तो आपका ये हो जाएगा x^4/4 + c, ये आपका हल हो जाएगा। आप चाहें तो ये x² बटे में लिख सकते हैं, और जब बटे में लिखेंगे तो इसका एक उत्तर ये भी लिखा जा सकता है x² बटा 4 + c / x²।
इस प्रकार से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुए, बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे जहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या लीनियर है इसकी पहचान करनी होगी, और पहचान करने के बाद हमको इसको हल करना होगा। और इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको करें आप और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। एक प्रश्न है, cos square x dy by dx प्लस y बराबर tan x, हल कीजिए। तो यहां पर cos square x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू tan x, तो यहां हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स, वाई अपान cos स्क्वायर एक्स और इक्वल्स टू tan x अपान cos स्क्वायर एक्स, और dy वाई बाई डी एक्स प्लस वाई sec स्क्वायर एक्स और tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। और अब अगर हम यहाँ कंपेरिजन करें तो p इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स और q इक्वल टू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। और अब अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, समाकल गुणांक e पावर इंटीग्रल p dx, e पावर इंटीग्रल p माने sec स्क्वायर एक्स और dx। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमने पहले भी चर्चा की है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके तभी हल होंगे जब आपको इंटीग्रल और डिफरेंशियल आता हो। बेसिकली यहाँ इंटीग्रल करना होता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आप जानते हैं tan x होता है। अब हल क्या हो जाएगा, हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y e पावर tan x और e पावर tan x इंटू tan x sec स्क्वायर x dx प्लस c। और इसका समाकलन करने के लिए आपको tan x को जब आप p पुट करेंगे तभी इसका समाकलन हो पाएगा। tan x को p अगर पुट करते हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt, यानी y e पावर tan x आपका बन जाएगा e पावर पी पी डी टी प्लस सी। और इसका समाकलन होगा फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक इंटीग्रल ऑफ सेकंड प्लस सी। तो पी ई पावर टी माइनस ई पावर टी प्लस सी, और ई पावर टी माने ई पावर टेन एक्स, तो टेन एक्स माइनस वन ई पावर टेन एक्स और प्लस एनी कांस्टेंट सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी उत्तर को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, y बराबर tan x माइनस वन, ये इधर भाग करेगा, और प्लस c e पावर माइनस tan x। और इस प्रकार से आपके पास ये फाइनल उत्तर हो जाता है जो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होगा। तो आपने आज रैखिक अवकल समीकरण और समघाती अवकल समीकरण पढ़ा। इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, सेकंड ऑर्डर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए कुछ एक दो प्रश्न हम इस तरीके के भी देख लेते हैं जो सेकंड ऑर्डर के हैं। जैसे एक प्रश्न दिया है, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स साइन एक्स, तो हल कीजिए। तो इस तरीके के प्रश्नों का हल हम कैसे करेंगे, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर साधारण प्रश्न है लेकिन सेकंड ऑर्डर के हैं इसलिए थोड़ा सा देखने की जरूरत है। डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आर और एक्स साइन एक्स
और Vx, ये समाकलन प्लस एनी कांस्टेंट C1। कांस्टेंट जोड़ना बहुत आवश्यक है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये हो गया समाकलन आपका dy अपॉन dx, ये फर्स्ट इंटीग्रल, आप सेकंड माइनस cos x, माइनस इंटीग्रल आप डिफरेंशियल आप फर्स्ट a इंटू cos x और dx प्लस c, ये x cos x प्लस sin x प्लस, ये हमारा एक हो गया। एक बार डिफरेंशियल करके हमने फर्स्ट आर्डर में बदल दिया। अब हम इस फर्स्ट आर्डर को फिर सॉल्व करेंगे, यानी ऐसे सवालों में हमको दो बार समाकलन करने की जरूरत है। c1 dx और प्लस यहाँ एनी कांस्टेंट c2। अब यहाँ क्या हो जाएगा y, और यहाँ हम समाकलन करेंगे फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड cos x का sin x, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट a इनटू sin x dx, और प्लस माइनस cos x हो जाएगा और प्लस c1 x प्लस c2। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x sin x प्लस cos x, माइनस cos x हो जाएगा, sin x का माइनस cos x होता है, और प्लस c1 x प्लस c2। और आप इसको लिख सकते हैं x sin x माइनस टू cos x प्लस c1 x प्लस c2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। माइनस x, ये माइनस है इसलिए यहाँ माइनस होगा, माइनस x sin x माइनस टू cos x प्लस c1 x और प्लस c2। ये आपका एक प्रश्न है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए, जबकि x बराबर जीरो, y बराबर जीरो तथा डी वाई बाई डी एक्स बराबर भी जीरो। कैसे हल करेंगे? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस एनी कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आप जानते हैं टैन इनवर्स एक्स होता है प्लस, ये समीकरण एक हो गया। ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ से हम रख के एक्स की सी वन की वैल्यू फाइंड करें। समीकरण एक में x बराबर जीरो डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो रखने पर क्या मिलेगा? जीरो टैन इनवर्स जीरो प्लस सी वन, यानी सी वन बराबर जीरो हो गया, सी वन बराबर हमारे पास जीरो हो गया। और जब सी वन का मान शून्य हो जाएगा तो इसलिए समीकरण एक क्या हो जाएगा? समीकरण एक से डी वाई अपान डी एक्स बराबर टैन इनवर्स एक्स, सी वन का मान शून्य हो गया। और अब हमको फिर इसका समाकलन करना पड़ेगा tan इनवर्स x dx और प्लस c2। इसका समाकलन हमने पढ़ाया है फर्स्ट सेकंड, y फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड x हो जाएगा समाकलन। और अब आप इसका इंटीग्रल भी जानते हैं, ये हो जाएगा y बराबर x tan इनवर्स x माइनस एक बटा दो लाख वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। कैसे हो गया? जब आप वन प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे तो टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी होगा, यानी x डी एक्स बराबर डी टी बाई टू हो जाएगा, वो टू यहाँ आ जाएगा, एक बटे t का समाकलन लाख। और ये आपका समीकरण नंबर दो हो जाता है। अब आप समीकरण दो से क्या करेंगे, ये x और y और dy by dx के मान इसमें पुट कर देंगे, तो हमको केवल x y पुट करना है क्योंकि dy by dx है ही नहीं, log 1 plus 0 और plus c, तो c2 बराबर भी 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 का मान शून्य होता है। इसलिए समीकरण एक समीकरण दो से
क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस एक बटा दो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। सी टू का मान जीरो हो गया, ये आपका उत्तर होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान चैप्टर है और एक सवाल आपको निश्चित रूप से इससे मिलना है। एक सवाल तो डिग्री और आर्डर ज्ञात करने वाला मिलेगा एक नंबर में, और एक हल करने के लिए पाँच नंबर का सवाल या कभी कभी आठ नंबर का पूछ लिया जाता है। यानी इस चैप्टर से आपको छः नंबर या नौ नंबर का प्रश्न मिलना है और बहुत आसान है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिग्री आर्डर की बात की और प्रश्न को कैसे हल करेंगे, अवकल समीकरण को कैसे हल करेंगे इसकी चर्चा की। आज हमने दो तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ने थे, लीनियर और होमोजीनियस, यानी समघातीय अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण। तो इनकी चर्चा हमने आज के इस लेक्चर में की। आप इसका प्रयोग करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और इसी के साथ जो आपका ये पूरा टॉपिक था कैलकुलस से रिलेटेड, यानी समाकलन, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, ये सब कंप्लीट होता है। आपका ये सतत्ता तथा अवकलनीयता से शुरू हुआ था। सतत्ता पढ़ी आपने, अवकलनीयता पढ़ी, अवकलज के अनुप्रयोग पढ़े, उसके बाद समाकलन पढ़ा, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ के हमने एरिया फाइंड किया, एरिया बिटवीन टू फंक्शंस, या आप ये कह लीजिए एरिया बाउंडेड बाय टू वक्र, टू कर्व। तो दो कर्व के बीच, दो वक्रों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया और फिर इसके बाद हमने अवकल समीकरण की चर्चा की और इसी के साथ ये पूरा आपका टॉपिक डिफरेंशियल, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये पूरा कंप्लीट होता है और इससे आपको लगभग 66 नंबर 65 नंबर का प्रश्न मिलना है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, इतने चैप्टर आपके, यानी पांच चैप्टर है, पाँच छः सात आठ नौ, ये पांच चैप्टर से मिला के लगभग 66 नंबर का सवाल आपको मिलना है। ये पूरा टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़नी है, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ, यानी वेक्टर अलजेब्रा के साथ आपसे चर्चा करेंगे। अगले सेशन में आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बिल्कुल कंप्लीट करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है, आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को लिखिए ताकि हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास कर सकें और हम प्रयास करते हैं कि आपकी समस्या का निदान कर सकें। हमारे चैनल पर आप बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय गल्होत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, अपने जो भी आपके सोशल मीडिया के ग्रुप हैं जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, आप अपना सिलेबस निश्चित रूप से कंप्लीट कर पाएंगे। हमने प्रयास किया है कि जितने तरीके के सवाल हैं उन सभी तरीकों के एक एक सवाल, दो दो सवाल आपको जरूर करके बता दें और बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको सलूशन से कुछ नहीं होने वाला है। सलूशन के लिए आप कुंजी ले सकते हैं, तमाम गाइड मेटजी मार्केट में मिलती हैं, उनको लेके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। आप वीडियो को देखें, एक प्रश्न हमने बताया है, 10 प्रश्न आप करें तो आपको ये इसका अभ्यास हो जाएगा और फिर आप आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। तो अगले सेशन में हम वेक्टर अलजेब्रा की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।